अब आता है हमारा आगे उत्तराभाद्रपद नक्षत्र, जो सेकंड लास्ट नक्षत्र होता है। इसके चारों के चारों चरण मीन राशि में आएंगे और इसका स्वामी नक्षत्र का स्वामी शनि होगा। ठीक है जी। इस नक्षत्र का प्रतीकात्मक चिन्ह पानी में चलने वाला सर्प। उत्तराभाद्रपद बाद में भाग्योदय, एक होता है जन्म के समय पर, मैंने भाई वर्ड लिखवाया था वो दोबारा बोल देता हूं। एक तो हुआ जन्म से पहले ही, ठीक है। तो इनका क्या होता है, पहला हाफ, फर्स्ट हाफ जिंदगी का बहुत अच्छा गुजरता है। किसका? इससे पहले वाले नक्षत्र का। इनका जिंदगी का सेकंड हाफ वो अच्छा गुजरता है, सेकंड वाला ये गुड रहेगा। तो उसमें उसने मोक्ष की बात करी सेकंड में जाके, ये पहले ही मोक्ष ज्ञान ध्यान नॉलेजेबल इन सब चीजों पर बात करने वाला, ठीक है। अब देखो उस नक्षत्र में भी रोल क्या था, वहां लॉर्ड शनि था और गुरु बाद में था, या उल्टा है, या गुरु और शनि है। तो ये बात अधिकांशतः सब कुछ सेम रहने वाला है, बस कि दो चीजों में लग आएगा उसके स्वभाव में, क्यों वहां पशु तत्व की प्रधानता है, यहां थोड़ा सा तीक्ष्णता। शब के अंदर क्या गुण होता है, पानी के क्या गुण है, वो रिजल्ट एड ऑन होने वाले। समुद्र के शुभ लाभकारी देवता है, अच्छी बात है। इस क्या नाम है, इस नक्षत्र में कठोर विषम परिस्थितियां संभाल कर, सब नॉर्मल बात है। एक इंपोर्ट दूसरी बात जो मैंने टिक कर रखी वो लिखो। इस नक्षत्र में व्यक्ति जिंदगी के शुरुआत में ही संत प्रवृत्ति, दूसरों को सम्मान देना, दूसरों के हित की धैर्यपूर्वक बातें करना, दूसरों के हित की बात करना, ये सीधा लिख लो, दूसरों के मन में क्या चीज है उसको समझकर बात करना अधिकांशतः पाया जाता है। जिंदगी के दूसरे पड़ाव में ये लोग योद्धा प्रवृत्ति के हो जाते हैं, योद्धा प्रवृत्ति के हो जाते हैं। पहले बहुत ठग लिया जाता है इनको, तो जिंदगी के दूसरे पड़ाव में योद्धा प्रवृत्ति के हो जाते हैं और कठोर व विषम परिस्थितियों में भी अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाते हैं, सेकंड पड़ाव में है ये सारी बातें। अब हमारे पास इस नक्षत्र के कार्य तत्वों में कुछ थोड़ा सा देखने को क्या क्या चीजें आ रही हैं। परोपकार है इनके अंदर, शुरुआत में है, मजबूत चरित्र है, बिल्कुल अच्छा है। जब सेकंड समाज के शौकीन बिल्कुल है, समाज की चीजों में रहना पसंद करते हैं बिल्कुल, ठीक है। गरीब विकलांगों की मदद करने की इच्छा शुरू से ही रही है, स्वतंत्र, सारी चीज अच्छी बात है। इसके अंदर जो प्रोफेशन के अंदर है ज्यादातर लिखे, नई निर्माण करने की क्षमता है, नए निर्माण करने की क्षमता, किसी भी चीज की निर्माणता, चाहे वो घर हो, चाहे मतलब एनी लकड़ी के आइटम्स हो, सुरंगें हो, पहले ये सब चीज चलती थी, शिपिंग्स हैं, नावें हैं, नहरें हैं, खुदान है, किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य या नवीनता वाले चीजें इनको पसंद है। उनको पहले इंजीनियरिंग कहा जाता था, ठीक है जी। देन इसके बाद जो इनके अंदर आएंगे, आजकल समुद्री शिक्षाएं जितनी भी हैं, कपड़े से संबंधित चीजें हैं, ये सारी चीजें शिक्षा के अंदर आ जाएंगी। और बीमारी के अंदर जो इनको आएगा, हमेशा मौसम के अनुसार चेंज होने पर जो भी परिवर्तन आता है वो सबसे पहले इनको थोड़ा दिक्कत करता है। पैरों के निचले हिस्से में दिक्कत आना, पेट का फूलना, गठिया दर्द, गठिया बाय, ये बीमारियां हैं। और बॉडी पार्ट्स में ये पैरों पर पूर्ण रूप से अपना अधिकार स्थापित किए हुए हैं। Thank you.